स्पोर्ट्स का शो है द हमेशा की तरह वो काफी तो हासिल करता है लेकिन उस शो में से हमेशा की तरह कुछ ऐसी बातें भी निकलती हैं ये जिनको एनालाइज करना उनको रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है आज बात करेंगे पाकिस्तान के जो अभी डायरेक्टर क्रिकेट थे रिसेंटली मोहम्मद हफीज उनकी बात करेंगे देखिए रिसेंटली वो पाकिस्तान टीम के साथ एक ड्यूटी करके आए हैं और अब वो टीवी पर बैठ के वो ड्रेसिंग रूम के किससे कहानियां ये जो बातें बिहाइंड द सीन्स चल रही थी चीजें वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर बता रहे हैं मेरा ख्याल है कि ये प्लेयर्स के साथ बहुत ही अनफेयर है एक प्लेयर्स फर्टर्निटी से आप आए हैं और जब आप आ, उनके ऊपर एज ए हेड आप चले गए उनके आपकी वो पोजिशन हो गई तो ऑल ऑफ अ सडन आप चाहते हैं कि आप एक स्कूल मास्टर बन जाए स्कूल के बच्चों की तरह जो है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले एथलीट्स हैं या स्टार हैं वो आपके आगे सर झुका लें ऐसा ऐसी तो रखना भी गलत है लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं इसलिए कि हफीज इस रोल के लिए ना ट्रेंड थे ना क्वालिफाइड थे और ना एक्सपीरियंस थे क्रिकेट खेलना और चीज है और अपने जैसे 11 या 16 लड़कों के ग्रुप को बल्कि एज ए हेड ऑफ हेड ऑफ क्रिकेट 16 आपके प्लेयर्स आपके अंडर थे और एक बहुत बड़ी जो सपोर्ट स्टाफ की टीम थी वो सब आपके अंडर थे उनको मैनेज करना वो कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट आपका एक्सपीरियंस सिर्फ खेलने का था या कप्तानी का था कुछ अरसे के लिए इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली तो खैर आपने ज्यादा कप्तानी की है लेकिन उसका रोल फिर भी डिफरेंट है हेड ऑफ क्रिकेट का जो आपका रोल था या डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का जो आपका रोल था पाकिस्तान टीम के साथ उसके लिए ना ट्रेंड थे ना क्वालिफाइड थे और ना एक्सपीरियंस थे चाहे वो पाकिस्तान के लिए इतना लंबा अरसा वो खेले हुए हैं

हमेशा अब उसकी वर्क लोड मैनेजमेंट इज़ इम्पॉटेंट लेकिन वो जरूरी नहीं कि उसने ये सोचना कि मैंने चार ओवर से ज़्यादा ओवर नहीं करने पाँचवें ओवर पे उसने बॉलिंग कोच को कहना जी थैंक यू पाइन मेरा वर्क लोड पूरा हो गया इट डज़ अम वर्क राइट क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है जो ट्रेनिंग है वो उतनी ही हार्ड होनी चाहिए जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इन साइड जाकर भी आप वैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं बैट्समैन शौक करता है मैंने कभी नहीं सुना उसने बोला हो कि यार मैं 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 डेढ़ सौ नहीं कराँगा <laughs> डेढ़ सौ करने के बाद उसने कहा कि मैं दो सौ नहीं कराँगा मेरा वर्क लोड पूरा गया इट डज़ अम वर्क ये बड़ी बचकाना और वन साइडेड दलील है ये जो मोहम्मद हफीज दे रहे हैं और इसमें आप प्लेयर्स के परस्पेक्टिव को प्लेयर्स के कॉन्टेक्सट को आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं उनमें से कोई है नहीं जो जवाब दे दूसरी साइड का इतनी सतही डिबेट नहीं है कि आप उसको जो है वो वन साइडेड दो चार जुमलों में अपना पॉइंट ऑफ व्यू के निकल जाएं इट इज अ प्रॉपर डिबेट और इस वर्कलोड मैनेजमेंट में और उसका डिसीजन करने में काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं और उसमें प्लेयर भी शामिल है प्लेयर की भी व्यू है लेकिन जो डायरेक्टिव्स हैं वो आपके आते हैं जो गवर्निंग बॉडी है या जो पेरेंट बॉडी है वो ये चीजें मेक श्योर करते हैं वो तो प्लेयर्स के एक साल से वर्कलोड मैनेजमेंट को नजर रखते हैं उस हिसाब से उनको एनओसी देते हैं उस हिसाब से उनकी क्रिकेट प्लान करते कि डे खेलनी है कहां अपने वन डे खेलनी है तो ये बड़ा अनफेयर है प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम के साथ कि आप आके जो है वो ये बातें टीवी पे आप करनी शुरू करें आप जो मर्जी कह लें लेकिन जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनका वक्त गुजर गया है अगर आप ये कोशिश करें कि आप इस तरह मीडिया में इन रहकर जो करंट स्टार्स हैं चाहे वो आउट ऑफ फॉर्म हैं चाहे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे फॉर द टाइम बींग लेकिन आप उनके मुकाबले पे आप फैंस जो है वो आपको कभी भी उस तरह फॉलो नहीं करेंगे दूसरी मिसाल उन्होंने दी और जिस कॉन्टेक्स्ट में भी दी उन्होंने कहा कि मुझे बाबर को कन्विंस करने में दो महीने लगे कि आप नंबर तीन पे खेलें अब ये भी अगेन आपको जो जॉब दी गई थी ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि जो आपकी प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन होगी वो प्राइवेट होगी आप उसको इस तरह पब्लिक नहीं कर सकते आपको दो महीने लगे आपको क्यों दो महीने लगे इसका मतलब है कि आपकी अथॉरिटी नहीं थी आपके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी ये तो आपका भी फेलियर है और आपका फेलियर मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि आप ट्रेंड नहीं थे आपको पता ही नहीं था अगर आप थ्रू प्रॉपर आते कोई बंदा ऐसे आता जो थ्रू प्रॉपर आता तो वो फिर अपने डिसीजन में फर्म होता और वो वहीं पे ये अगर आपका एक विजन था टीम का ठीक है अगर आप ट्रेन और क्वालिफाइड होते इस काम में तो आप अपना एक विजन लेआउट करते टीम के सामने और आप उसको इंप्लीमेंट करवाते ना कि आपको जो है वो प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ी दो ढाई महीने उन्हें कन्विंस करने के लिए इट मींस दैट योर लॉजिक और योर विजन वाज फ्लॉड आइदर दैट या फिर आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सके सही तरीके से या फिर अपने विजन को इम्प्लीमेंट नहीं करा सके तो ये भी आपका फेलियर है अगर आप इस चीज को देखें कि आपने एक चीज जो आपकी एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी वो आपने पब्लिक की इससे पहले वहाब रियाज ने भी पब्लिक की जो उनकी शाहनवाज धानी के साथ कम्युनिकेशन हुई थी दैर इज वेरी अनफेयर टू प्लेयर्स मैंने हमेशा कहा कि मैं प्लेयर्स की साइड पे खड़ा होता हूं क्योंकि प्लेयर जो हैं वो इस वक्त आपकी मनी मेकिंग मशीन हैं उनका टाइम है कल उनका टाइम खत्म हो जाएगा तो उनकी अहमियत आपसे भी आधी हो शायद लेकिन आज उनका टाइम है आप ये एक्सेप्ट करें और उनको उस हिसाब से ट्रीटमेंट दें और अगर आपने कोई विजन इंप्लीमेंट करना है तो आपकी प्रॉपर कम्युनिकेशन ऐसी हो कि आप उसको इंप्लीमेंट करा सकते हैं आपकी अथॉरिटी इतनी हो वो अथॉरिटी कब आती है जब आप खुद भी प्रॉपर चैनल से आए हो ना कि अगर आप बैकडोर से कुछ आए गए हो तो फिर आपकी ना वो अथॉरिटी होती है और ना वो कन्विक्शन होती है आपके प्लान्स में इसीलिए फिर आपको दो दो महीने लगे प्लेयर्स को कन्विंस करने में और ड्रेसिंग रूम की कहानियां मजे ले लेकर टीवी पे करोड़ों लोगों के सामने बताना हाईली अनप्रोफेशनल ऑन द पार्ट ऑफ मोहम्मद हफीज और इस चीज का नहीं होना चाहिए ऐसे कि अगर आप एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में थे तो आप उस ट्रस्ट को जो है वो बिटरे ना करें आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट के इस चैनल को आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करें और पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को प्रमोट करें थैंक यू